A woman trainee pilot who was flying a glider unfortunately crashed it into a residential colony in UP's Kanpur. The incident took place at Railway South Colony in Babupurwa area of the city. The glider belonging to a private aviation firm was on a training flight when the pilot lost control and it nosedived after losing altitude. Police said the residential quarters had been vacated a few weeks back as it had to be demolished. Hence, there was no loss of life. यहाँ पर जो कानपुर का ट्रेनिंग पायलट है, महिला थी पायलट, वो दो राउंड तीन राउंड उसने किया, उसके बाद इस पे लैंड किया और इसके लिए मैं पायलट के लिए मैं बहुत ही उसके धैर्य को उसकी हिम्मत को दाद देता हूँ कि अगर थोड़ा सा आबादी के अंदर गिरता तो बहुत बड़ा हादसा होता। उस हादसे को बचाते हुए और खुद को भी बचाया और ये यहाँ पर लैंड किया। लैंड करने में यह डैमेज हो गया क्योंकि और कोई ऐसी जगह यहाँ पर नहीं थी, आगे हाई टेंशन लाइन थी जहाँ पर अगर थोड़ा सा आगे या पीछे होता तो बहुत बड़ा हादसा होता। द पायलट हैज बीन एडमिटेड टू अ मेडिकल फैसिलिटी वेयर शी इज सेड टू बी इन अ सीरियस कंडीशन। द टू सीटर ग्लाइडर हैज बीन डैमेज्ड इन द क्रैश। एक एजेज एविएशन का एक जहाज था जिसको कि एक लेडी पायलट चला रही थी और कुछ अनकंट्रोल्ड होने की वजह से उसने लैंड करने की कोशिश की और इस जगह पर उसका जहाज है गिर गया है। हालांकि सेफली निकाल ली गई है, इंजर्ड है लेकिन सेफली निकाल के हॉस्पिटल को शिफ्ट कर दिया गया है। जहाज अच्छी कंडीशन में वहाँ से टेक ऑफ हुआ है और परमिशन लेकर उड़ा है। बाकायदा ATC प्रोसीजर फॉलो कर रहा था अप टू लैंडिंग परमिशन तक। लैंडिंग परमिशन के बाद उसका कम्युनिकेशन खत्म हो गया है और पता चला कि अब दिखाई नहीं दे रहा है तो लगा कि गिर गया होगा वो। हम लोग ढूंढ रहे थे वहीं पर एयरपोर्ट एरिया के पास में, बाद में पता चला कि यहाँ पर गिरा है। ये नीचे कैसे आ गया, कैसे गिर गया, ये इंक्वायरी के बाद ही पता चल पाया। Powered by NNIS.